हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकी गेमर। हम लोग ऐसे कर सुनील से ब्लॉग के अंदर। सो गाइस, अभी बज रहे हैं हम लोग के, मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी हम लोग के बज रहे हैं सुबह के 7:25। बज रहे हैं, मैं सुबह उठ चुका हूँ और मेरे को लगेज पैक करना है। मेरा लगेज पैक नहीं हुआ था, मतलब बाकी सभी का कल हो गया था, फिर मैं अभी लगेज पैक करता तब तक बाकी सब रेडी होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे 9:30 तक। साढ़े नौ बजे फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से और वहाँ पे पहुँचेंगे 10:30 तक, फिर 12 बजे का ट्रेन है, ठीक है। अभी तो मैं लगेज पैक करने जाता हूँ, तो चलो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे। लगेज पैक जब करूँगा तब मिलते हैं, ठीक है। चलो भाई, मेरा फिर हालत ख़राब हो गया भाई पैकिंग करते करते। अब हम थोड़ा खड़े होकर सोच रहे कि क्या क्या लिया जाए, ठीक है। पहले तो मैं एडिटिंग का सामान ले लूँगा, लैपटॉप ले लेंगे। चलो फिर देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे आगे होता है क्या। तो गाइस अभी हम लोग के बज रहे हैं और दिखा दे रहा हूँ, रुको रुको चार्ज हो रहा है, दिखा नहीं सकता सॉरी। अभी हम लोग के तुम्हारे बज रहे हैं 8:12। अभी मेरा पैकिंग तो हो गया है लगभग थोड़ा, तो अभी थोड़ा पैकिंग हो गया, थोड़ा बाहर अभी जाएंगे, बट वो मैं शूट नहीं करने वाला, मैं अभी थोड़ा शूट कर ले रहा हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम है। मैं ट्राई करूँगा बीच में मिलने का, लेकिन मैं ऐसे आपको बता दूँ तो मैं मिलता हूँ आपको जब मैं गाड़ी में बैठूँगा, जब मैं स्टेशन जाऊँगा तब, ठीक है। चलो फिर बाय गाइस। अभी थोड़ा मतलब अभी बज रहे हैं हम लोग के 9, ठीक है ना, और हम लोग को निकलना है 9:30 तक। कैसे निकलेंगे नहीं पता अभी घर का, मतलब ऐसा कोई भी मेम्बर पर्टिकुलरली रेडी नहीं हुआ है, तो हम लोग का आई थिंक प्लान में थोड़ा चेंज है। आई थिंक थोड़ा लेट होंगे, आई थिंक नहीं भाई, लेट होना ही है, ठीक है। कहीं भी जाओ हम लोग का यही है, लेट होगा ही। हम लोग के जो रिलेटिव्स है वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो लोग ट्रेन में भी उठ चुके हैं। अभी हम लोग रेडी होंगे, फिर निकलेंगे 10 बजे यहाँ से, तो मतलब बहुत दूर है मतलब, ठीक है ना। तब आपसे मिलते हैं, ठीक है। और हम लोग के साथ हम लोग के रैबिट्स भी जा रहे हैं, ठीक है, तो मस्त मज़ा आएगा। और अभी तो 9 बज रहे हैं, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, और नहाने के बाद सीधा रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं। रे चलो बाय। निकलने वाला हो रहा है अभी पैक भाई। हम लोग का फैमिली का क्या है ना, जो होगा एंड में होगा, अभी एंड में बहुत हड़बड़ी हो रहा है। मैं तो अब हो गया हूँ रेडी, तो अब थोड़ा निकला जाएगा। ओला बुक हो चुका है और मेरे को सूटकेस उतारना पड़ेगा। यहाँ पे सूटकेस ले लिया है, भारी तो है भाई, कुछ ही तो बंगाली में बोल रहे तो समझ आएगा कि नहीं पता भाई। सूटकेस तो भारी है तेरी तो भाई, क्या क्या घुसा दिया भाई ये सूटकेस पे, क्या क्या घुसा दिया, भारी तो है। और भी सब कुछ लाना है, धीरे धीरे नीचे उतारना है, लिफ्ट बुला लेते हैं इससे, फिर लिफ्ट में डाल देते हैं। लाइट जला दिया, चलो भाई आप चलो भाई साहब, बहुत भारी है भाई। ये तो हो गया, अब और लाते हैं, ले रहे हैं सूटकेस गाइस, पहन लिया भाई ये, मतलब मैं क्या ही तो बताऊं। और मैं अभी जब लोग जा रहे हैं, अभी मैक्सिमम ऑफ मतलब लगेज जो है वो हो चुका है, मतलब जा चुका है नीचे। यार कौन जा रहा है भाई, कौन जा रहा है यार, मेरी छुट्टी प्याली जान। चलो नीचे बैठते हैं भाई। भाई 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 सब कुछ ले लिया है, जैकेट सब कुछ पहन लिया है अपन ने, और अभी निकला जा रहा है। हरे कृष्णा हरि बोल, चलो एक बार जय श्री राम सभी लोग बोल दो। ये नीचे कैसे जाएंगे, नीचे आना पड़ेगा। ओ भाई भाई नीचे जा रहे हैं, ध्यान से आना पड़ेगा भाई, पीठे
मेरे पीछे भाई बहुत ना वजन है, ठीक है, बहुत बड़ा बैग है, ट्रैवलर वाला बैग नहीं होता, ये नॉर्मल बैग नहीं है, ट्रैवलर वाला बैग है। उतरते नहीं होता अपना की ना हो रहा तो कहाँ तो था वो यहाँ पे देख लो भाई, कतई भाई पीठ दर्द हो गया भाई, बहुत भारी है ये भाई। इसको एक बार बाई करके जाते हैं, इसको जा रहा है भाई, थोड़े दिन बाद आएंगे भाई, मेरा बच्चा थोड़े दिन बाद आएंगे, मेरा बच्चा थोड़े दिन बाद, बाय। और भाई भाई तो मैं नहा के आ चुका हूँ, ठीक है, कुछ बाल पता नहीं खड़े ही नहीं हो रहे, ठीक है। सो मैं अभी नहा के आ चुका हूँ, अभी बस रहे 9:30, देख पा रहे हो गए। सो अभी निकलेंगे हम लोग, चलो फिर निकलने के बाद, अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग, 10-15 का टारगेट ही, एक तो लेट हो गया साले में बचाना था, अब 10-15 का एम है, 10-15 में होता है कि नहीं पहले आप वो देखो, ठीक है। सब अभी का हाल है घर का, कुछ ऐसा हाल है, पूरा लगेज लगेज ऐसा कुछ, तो फिर चलो 10-15 में आपसे मिलते हैं, बाय 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 बाय। अभी हम लोग सब लोग रेडी तो हैं, नीचे भी उतर गए हैं सब लोग। भाई भाई बहुत तेज लगा है भाई, इतना कुछ सामान लेके कैसे भाई, कैसे रहूं भाई, भाई 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 गिर जाऊंगा भाई, मैं गिर जाऊंगा। अभी आने वाला है ओला, पता नहीं ओला भाई साहब की अलग ही नखरे है भाई, आ ही नहीं रहे पता नहीं क्यों, चलो देखते हैं कब तक आएंगे वो, हम भी मिलेंगे तब तक ही। चलो जब हम लोग स्टेशन में पहुंचने के बाद मिलते हैं। चुके और ये मेरी मम्मी है और ये मेरी ग्रैंड मदर। उतरते हैं गाड़ी से, बाप रे बाप कैसे, रुक जा बहुत भारी बैग है रे, मैं उतर नहीं पाऊंगा इसके साथ लेकर, रे मेरा कमर खोल रहे, रुको अरे रे रे बाप रे बाप, ये तो भाई पीछे ही चला जा रहा है हम लोग के साथ, हम लोग के रैबिट जा रहे हैं, पहले ही दिखा दिया था। आशो दादा ये स्टेशन है, देख लो पूरा स्टेशन है ये। आशो अभी उतर रहे हैं, पता नहीं उतर कहाँ नहीं रहे हैं ये लोग भाई, गर्मी तो है भाई, थोड़ा ठंडी की ज़रूरत है, जब गर्मी की ज़रूरत है तब ठंडी रहती है, जब ठंडी की तब गर्मी रहती है। तो हम लोग टाल लेंगे ना, क्या बैग कौन से नंबर पे, एकदम आगे लेके जाना पड़ेगा। दाम ठीक बोलिए, 200 बोलिए, बार्गेनिंग चल रहा है, आगे ना होगा पैसा मन देगा, गाड़ी में उठा देगा। अच्छा अच्छा, क्यों उठा था मैंने की चंदा छूटा तो नहीं ना, बैग नहीं है तो शॉप बोलिए सर, अरे मुन्ना 400 वाले से आने लोग यहाँ पे है, लेके जाना है गाड़ी में, B3 एकदम आगे B3 हाँ, चलो चलो, 3 टायर का है, सब लिया था एक टायर, कोतो बोले थे, कितना, हाँ कोतो तो बोलो 300 का, 400, ठेला के भाड़ा देना पड़ता है ना, तो आपके नहीं, 300 का तो, ठेला ठेला लिया आएगा इसका, चलो, अच्छा, चलो, हमारा हमारा कोई नहीं, माये तो थोड़े ना, माथा पे ले ली, हाँ, माथा पे जाएगा सब बोलिए, आखिर जाएगा तो हमको उसको भाड़ा देना पड़ेगा, बताइए कि, तो माथा पे ले जाइए, माथा पे नहीं जाएगा इतना, माथा पे बताइए कि जाएगा तो आगे, वो पार्बे ना, इंजन में जाना पड़ेगा, सब टोटल ले ले, हाँ तो 300 चलिए ना, ठेला का आएगा।
अरे बापरे बाप के नहीं 400 भी चाहिए भैया। भाई 400 ज्यादा ही ले रहे, दो नंबर स्टेशन पे है, कुछ भी लेके जा सकते हम लोग। मम्मी बोल रही है ऑल लगेज लो। तो लगेज चोर के आते क्या? चितपुर कोलकाता स्टेशन करा दिया भाई। बोल माँ के गोरी ना, दीदी को नहीं ना। अरे मेरे पापा है, ठीक है चल मिलते हैं ट्रेन में। पहुँच गए हैं स्टेशन, एक तो लेट हो गया है, बापरे बाप भाई लेट तो हुआ है भाई खतरनाक वाला। 12:10 का ट्रेन है भाई, अभी 11:50 हो गया है, पता नहीं है कौन से नंबर, दो नंबर स्टेशन पे था, दो नंबर स्टेशन यहाँ से कितना दूर पड़ेगा वो नहीं पता है। आई थिंक मेरे को लग रहा है वो जो लाइन दिख पा रहा पटरी, पटरी क्रॉस करके पूरा जाना पड़ेगा भाई। लेट खतरनाक वाला हुआ है, अब भगवान जी से दुआ करो कि हम लोग पहुँच जाए जल्दी जल्दी ट्रेन के अंदर। पहुँच गए हैं ट्रेन में, हालत देख मैं ऊपर वाले में बैठ गया, ठीक है जब ट्रेन चलेगा तब नीचे जाएंगे और थोड़े सिनेमैटिक्स के मज़े लेंगे। अभी के लिए तो सब नीचे बैठे हैं, ट्रेन चले सिनेमैटिक्स के मज़े के साथ मस्त, ट्रेन जब चलेगा तो देखना सिनेमैटिक्स मस्त मस्त। चलो अभी मैं बंद कर रहा हूँ, थका हूँ थोड़ा बट, अरे अरे नहीं यार नहीं थका, मजाक कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा अभी ट्रेन जब चलेगा तब सिनेमैटिक्स लेंगे, ठीक है वहाँ पे तब तो सिनेमैटिक्स के समय मिलते हैं। ओके चलो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, अभी बज रहा है 12:04 और 6 मिनट में ट्रेन छोड़ देगा, छोड़ दिया है अभी ट्रेन, छोड़ दिया है ट्रेन, छोड़ दिया, मज़ा आ गया भाई कती। और भाई मैं विंडो सीट में अभी जा रहा हूँ, थोड़े सिनेमैटिक्स आप लोग के लिए ला रहा हूँ। ओह क्या रैप करना, मैं विंडो सीट में जा रहा हूँ थोड़े सिनेमैटिक्स आप लोग के लिए ला रहा हूँ। स्क्रीन पे तो यार नींद नहीं आ रहा था, नीचे आ गया। ये देखो भाई भाई सब, अरे वंदे भारत, वंदे भारत, मैं वंदे भारत, अरे वंदे भारत जी का एंट्री भी देखो यार क्या समय में हुआ। क्या एंट्री हुआ भाई वंदे भारत जी का, भाई साहब देखो बस फिर मारा भाई। अभी थोड़ा कान में हेडफोन्स लगा के अभी थोड़ा सोने का मन हो रहा है क्योंकि मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, कल रात को सो रहा था मैं लगभग 2:30 बजे, हाँ लगभग 2:30 बजे ही सोया था या तो हाँ 1:45। सो और उठ गया मैं 7 बजे, सात से पहले, और फिर उठ के मतलब पूरा काम करने लगा क्योंकि बाहर जाना था पैकेजिंग से लेके सब थोड़ा, इसलिए भी थोड़ा गाना सुनते सुनते मस्त माइंड रिलैक्स वाला तरस होते हैं, फिर उठते हैं फिर आपको व्यू के एंजॉय कराते हैं, मजे कराते हैं। अभी अभी तो बच रहे 12:30 है, दिया था कवर दिया था, अभी अभी बज रहे 12:30 तो हम लोग पहुँचेंगे कल के 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे कल। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं बता नहीं रहा था, मैं बार बार इधर से इधर कर रहा हूँ, अब तो मैं नीचे भी जा रहा हूँ भाई। देखो अब भाई हमारा पार्कोर गॉड को देखो भाई, पार्कोर गॉड नीचे एक हाथ से जा रहा हूँ। सो लग रहा है थोड़ा डर आ गया, ले ओ इधर ऊपर में था वहाँ पे मजा आ रहा है ऐसे करने में, बहुत ज्यादा वापस ऊपर जाएंगे तो काजे। फिर एक हद से कैसे जाऊंगा वो है सबसे मेन दिक्कत वाली बात। अरे जाबे तो काजे, खाली घरे पंजामा पड़ार कथा, थोड़ा दिक्कत विश्वास को बिना 25 से 30 खाना गए थे ड्रेस, बट दिमाग लगाना पड़ेगा।
रुक करते हैं। मजे आ गए भाई, मजे आ गए। कहते पार्कोर गोड़ भाई, इधर से मैं इधर भी गया हूँ, ठीक है। इधर इधर मजा आ रहा है, मतलब उधर भी गया, क्योंकि ये सीट हाँ ये सीट हम लोग का है, समझे, क्योंकि हम लोग थोड़े ज़्यादा जन जा रहे हैं ना, तो इसलिए लगता है। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग से। अभी तो ट्रेन एक स्टेशन पे रुका है, देख ही पा रहे होगे, एक स्टेशन है, रुको जूम करने दो। स्टेशन पे रुके हैं, अभी देखते हैं कौन से स्टेशन में हम लोग का नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा। मेरे को पता नहीं है, मेरे को वेयर इज माय ट्रेन वाला ऐप डाउनलोड करके पता करना पड़ेगा। भीड़ है थोड़ा, तो मैं थोड़ा लॉक को बंद करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नॉइज आ रहा है। ठीक है, चल बाय। ट्रेन अभी चल चुका है एज यूजुअल। थोड़ा भीड़ हो रहा है एक्चुअली। एक स्टेशन आया था, एक स्टॉपेज आया था, तो कौन सा स्टॉपेज है मेरे को नहीं पता। लग रहा है झगड़ा हो गया है, झगड़ा। कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगेंगे, भाई ये वीडियो बना रहा है, मारो इसको। तो गाइस अभी हम लोग का ब्लैक टी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग ये ब्लॉग इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। मैं ये ब्लॉग अभी एंड करने के बाद एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग के बाद फिर अपलोड। तो इसको कल सुबह 8 बजे में, हाँ एक ये बात बता दूँ, मैं मेन बात था लास्ट में बता रहा हूँ, डेली सुबह 8 बजे ब्लॉग आएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये ब्लॉग एंड करके उसके एडिटिंग करके एक नया ब्लॉग चालू करूँगा। अभी बज रहे हैं 4:50, ठीक है। ये ब्लॉग एंड करके एडिटिंग करूँगा, उसके बाद एक नया ब्लॉग चालू करूँगा, मतलब मेरा, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो गया है। इसके बाद फिर मैं ये ब्लॉग एंड किया जैसे ही, फिर एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया, फिर नया ब्लॉग उतना, मतलब नया ब्लॉग कल तक, कल के दोपहर तक रहेगा। उसके बाद और एक नया ब्लॉग चालू करेंगे, जहाँ पे हम लोग मथुरा में रहेंगे, ठीक है, गुड डिटेल्स में, ठीक है। चलो फिर डेली सुबह 8 बजे आएगा ब्लॉग, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।